रुकिए रुकिए, ये कोई कूड़ा घर नहीं बल्कि स्कूल का आंगन है। जी हाँ, लखनऊ के लालबाग गांव का ये प्राथमिक विद्यालय 1982 में बच्चों को शिक्षा देने के मकसद से खोला गया था, लेकिन इस स्कूल में परेशानियों का अंबार लगा है। यहाँ आज तक बिजली पहुंची ही नहीं, पहले पीने का पानी आता था, अब वो भी बंद है। शौचालय टूटा फूटा पड़ा है, लिहाजा मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ये स्कूल खुद ही जीता जागता समस्याओं का स्कूल बन गया है। पानी कहाँ पीने जाते हैं? यहाँ पे जाते थे, अब टंकी खराब हो गई। और टॉयलेट कहाँ जाते हैं? उधर वाले। बाहर जाते हैं स्कूल के? कब से देख रहे हैं बिजली नहीं आ रही है? बहुत दिन से। बहुत दिन से नहीं आ रही है? नहीं। टॉयलेट कहाँ जाते हैं आप लोग? बाहर, स्कूल के बाहर। लाइट तो यहाँ शुरू से ही नहीं है। लाइट शुरू से नहीं है? है ही नहीं। आप लोगों ने कहीं अपील की थी, कहीं कोई? हाँ भैया, अपने वाले में तो सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं। ये टंकी भी खराब पड़ी है कब से, वो भी बच्चे पानी अपने घर से ही लाते हैं। तपती गर्मी में भी ये बच्चे बिना पंखों के पढ़ने को मजबूर हैं। जर्जर हो चुकी स्कूल की इमारत के गिरने का खतरा भी इन बच्चों के सर पर हर पल मंडराता रहता है। स्कूल की इमारत का हिस्सा गिरने से पहले भी एक महिला की मौत हो चुकी है। स्कूल की समस्याओं को लेकर शिकायत के बाद भी अधिकारी इसकी सुध लेने को तैयार नहीं। हम लोग तो कई महीनों से, कई सालों से प्रयास में कि यहाँ लाइट लग जाए, मगर कुछ हो ही नहीं पा रहा। कई नेताओं का पैसा ही पास हो गया, यहाँ दिवाली उठी, सब उठी, मगर अब कुछ काम नहीं हो पाया। मलबा वसई का पड़ता रहा और कुछ यहाँ पे सही नहीं हुआ। 1982 को तब ये बना है स्कूल, तब से अभी ये सही पड़ा हुआ है। शिक्षा के जरिए देश के बच्चों को ज्ञान की रोशनी देना, देश के भविष्य को उज्जवल बनाना, ये बड़ी बड़ी बातें तभी संभव हो पाएंगी जब सरकारी स्कूलों में छोटी छोटी सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।